गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम डॉक्टर स्वाति सक्सेना, योर फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज. एंड एज वी ऑल नो दैट वी आर कंटिन्यूइंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो अभी हमने उसका लोकेशन पढ़ा है एंड हमने ये जाना है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता क्या है. अब हम आगे देखेंगे कि हमको इसमें आगे और क्या पढ़ना है. तो लेट अस स्टार्ट. तो अभी ये देखते हैं कि जीआईटी के अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जो इस एक अनबिलीवेबल काम को बिलीवेबल बनाते हैं, जो हमारे फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को काम करने लायक बनाते हैं, हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये देखते हैं कि वॉट आर द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन जीआईटी. फर्स्ट इज इंजेशन विच टेक्स प्लेस इन माउथ, देन मेस्टिकेशन इन माउथ, सलाइवेशन इन माउथ, डेग्ल्यूटेशन, देन इट अकर्स इन ओरोफेरिंग्स जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, डाइजेशन इन स्टमक, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफिकेशन फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन. ये सिर्फ नाम है प्रोसेसेस के, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज योर फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिर फंक्शन क्या है. GIT is responsible for breaking down food and supplying the body with water, nutrients and electrolytes needed to sustain life. जैसा कि बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज़ द ओनली गेट जहाँ से कि फूड पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. तो फूड पार्टिकल्स जो एंटर करते हैं आपकी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा वो बड़ा पार्टिकल होता है. ये जैसे जैसे आपके मुंह में जाता है, फिर उसको आप च्यू करते हो, फिर वो सलाइवेशन होता है आपके मुंह में, यहाँ से सलाइवा निकलता है, वो मिक्स होता है, फिर नीचे आपके ईसोफेगस के थ्रू नीचे जाता है स्टमक में, और फिर वहाँ पर ये ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जहाँ से कि हमको पानी और बाकी का न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इस तरह के न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हमको उस ब्रेक डाउन पार्टिकल से मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी आगे चल के इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेती है. तो देखते हैं कि ये फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं. फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन दीज फंक्शंस. पहला है इंजेशन. इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, मतलब मुँह से खाना खाना इज इंजेशन. ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, मुंह के पास एक येलो कलर का एरो बना हुआ है, तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है इंजेशन, मतलब कहाँ से आप मुंह से खाना खाते हो, एंड उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन या इंजेशन फ्रॉम माउथ. नेक्स्ट इज योर मेस्टिकेशन. मेस्टिकेशन का मतलब है चूइंग द फूड इंटू स्मॉलर पीसेस, मतलब आप खाना जो खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप उसको, बट रोटी आप बिना चबाए डायरेक्टली अंदर निगल नहीं सकते हो, उसको आप चबाते हो, आप उसको छोटा 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 पार्टिकल्स में बना करते हो और उसके बाद उसको आप निगलते हो, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेस्टिकेशन. बहुत सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, जो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट है सलाइवेशन. प्रोसेस ऑफ सलाइवेटिंग एंड मॉइस्टनिंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. आपके मुँह में तीन सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आप देख सकते हो, इसमें पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है. ये आपको एक तरफ का दिख रहा है, सेम पोजिशंस पे सेम ग्लैंड्स दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल. ये आपके सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि आपके मुंह में सलाइवा रिलीज करते हैं, जो आपके फूड को मॉइस्चन करते हैं. ये लिखा हुआ है ना, मॉइस्टिंग द फूड पार्टिकल्स, ये आपके फूड को मॉइस्चन करते हैं सो दैट वो इजीली फ्रिक्शनलेस तरीके से आपके बॉडी के अदर सिस्टम्स में जा सके, बॉडी के जीआईटी ट्रैक में पास हो सके. नेक्स्ट होता है हमारा डेग्ल्यूटेशन. स्वेलोइंग द फूड, मतलब खाने को गटकना. अभी हमने खाना मुंह में ले लिया इंजेशन, उसके बाद उस खाने को चबा लिया मेस्टिकेशन, उसमें सलाइवेशन हो गया, वो चिकना हो गया है, अभी इसमें फ्रिक्शन नहीं बाकी है, और अब डेग्ल्यूटेशन की बारी है, मतलब अब उस खाने को गटकने की बारी है, जो कि ओरोफेरिंग्स के थ्रू होता है. मैं दिखा देती हूँ, ये इसका प्रोसेस है. हमने खाना लिया, टंग के ऊपर जस्ट ऊपर रखा, जो फूड आप देख रहे होगे लिखा हुआ है, फिर वहाँ पे हमारी फेरिंग्स है और आगे की तरफ हमारी विंड पाइप या ट्रैकिया है. फिर सेकंड वाले डायग्राम में फूड हमारा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लैरिंग्स बंद हो जा रही है, यानी कि आपकी विंड पाइप, आपकी ट्रैकिया बंद हो जा रही है, सो दैट आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में
खाना या पानी या कुछ भी चीज़ ना जाए और आपका रेस्पिरेशन ब्लॉक ना हो, इसलिए लैरिंग्स बंद हो जा रही है। और उसके आगे आप देख सकते हो एपिग्लॉटिस है थर्ड वाले में, तो ये एपिग्लॉटिस से जस्ट नीचे खाना होता है वो ईसोफेगस में जा रहा है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेग्लूटेशन। नेक्स्ट इज़ योर डाइजेशन, मतलब अब हमारा खाना ओरोफेरिंग्स से आगे बढ़कर, ईसोफेगस से भी आगे बढ़कर स्टमक तक पहुंच चुका है, और स्टमक में हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, मतलब जो हमारा खाना अभी तक बड़ा सा था, उस जिस जो बोलस था वो अब छोटा हो चुका है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अब टूट रहा है, मतलब डाइजेशन हो रहा है उसका। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम GIT टू सर्कुलेशन, मतलब जो अभी हमने खाना खाया है, जो अभी हमारा स्टमक में टूटा है, उसका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, उसमें जो पानी का कंटेंट है, वो सारा हमारी इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा। जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आगे बढ़ जाएगा डिफिकेशन के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में, बट जो हमारा बाकी का फूड मटेरियल है उसका जितना भी न्यूट्रिशन है वो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो इसमें, इसमें पूरा प्रोसेस एक साथ दिखाया गया है। ऊपर से इंजेशन हुआ फूड का, देन फेरिंग्स के थ्रू हमारा फूड अंदर आया। अब फेरिंग्स में जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोपल्शन। तो स्वेलिंग ऑफ फूड इज़ बाय प्रोपल्शन मूवमेंट, या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होता है, जो कि हमारे ईसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और ये मूवमेंट सिर्फ इसलिए होता है सो दैट जो खाना हमारे हमने अभी खाया है वो खाना धीरे धीरे करके अपने ट्रैक में आगे बढ़ पाए। अब स्टमक से हमारा खाना पहुंचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर सारी जगह पर स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक इस पर केमिकल डाइजेशन होगा, मतलब इस पर कई सारे एसिड्स काम करेंगे और खाने का अलग तरीके से ब्रेक डाउन होगा, कई सारे एंजाइम्स काम करेंगे, प्रोटीन टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, विटामिन्स जाएंगे हमारी बॉडी में, तो ये सारा केमिकल डाइजेशन होगा। फिर जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इन सारे खाने को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये आप ऑरेंज वाला बॉक्स इसमें देख सकते हो, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का, और धीरे धीरे करके ये सारा एब्जॉर्प्शन होकर हमारी ब्लड वेसल्स में जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब कि मैकेनिकल डाइजेशन में तीन चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ च्यूइंग, सेकंड इज़ चर्निंग एंड द थर्ड वन इज़ सेगमेंटेशन, मतलब मुंह से चबाना। मतलब जो हम मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है जो चीज़ हम मैकेनिकली करते हैं, मतलब हमें मशीन की तरह, हमारी बॉडी को मशीन की तरह जिसमें काम करना पड़ता है। तो जैसे हम जब कोई चीज़ चबाते हैं तो हमारे दांत को मैकेनिकली काम करना पड़ता है, मतलब उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दांत को करना पड़ता है, तभी कोई चीज़ च्यू हो सकती है। उसी तरह से चर्निंग, यानी कि चर्निंग का मतलब है पेट में ब्रेक डाउन करना किसी बड़े पार्टिकल को, तो ये हमारा पेट करता है। और सेगमेंटेशन का मतलब है किसी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आए उनको और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना या काटना, तो ये काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। उसके बाद ये सारा चीज़ें होने के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था वो भी ख़त्म हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल था वो धीरे धीरे करके लार्ज इंटेस्टाइन में आया, जहाँ पर पानी वगैरह का भी एब्जॉर्प्शन हो गया और फिर ये फीसेस बन के एनस के थ्रू डिफिकेट हो गया या एग्जिट हो गया। ये हमारा पूरा प्रोसेस है जो इस तरह से काम करता है। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। नेक्स्ट इज योर डेग्लूटेशन। डेग्लूटेशन का मतलब है द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इन टू द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ स्टूल फीसेज विच इज़ देन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इजेशन। इसका मतलब है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे पास होता है हमारी रेक्टम में, जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, और फिर एक स्टूल बना के या फीसेज बना के धीरे से हमारी बॉडी से धीरे करके पास हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है एनस के थ्रू। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन या डेग्लूटेशन या डिफिकेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं GIT में, इंजेशन, मेस्टिकेशन, सलाइवेशन, डेग्लूटेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफिकेशन। और फंक्शंस क्या होते हैं, इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम माउथ, देन मैस्टिकेशन का मतलब है उस खाने को चबाना, सलाइवेशन का मतलब है सलाइवा का सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होना और उस खाने को फ्रिक्शनलेस और मॉइस्टन बनाना, फिर जब हो जाता है इतना तो ओरोफेरिंग्स से डेग्लूटेशन होना, यानी कि स्वेलोइंग ऑफ फूड, मतलब फूड को आगे गटकना,
फिर जब डेग्लुटेशन हो गया तो हमारा खाना ओरोफेरिंग्स और ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंच गया, जहां पर डाइजेशन होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स होगा। फिर जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके ऊपर केमिकल्स अप्लाई हो जाएंगे, मतलब HCl अप्लाई हो जाएंगे, एंजाइम्स अप्लाई हो जाएंगे, तो फिर हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होगा, और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स सारे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। अब उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटीरियल बचेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जो कि रेक्टम में फिर जाकर फीसेस या स्टूल बना के हमारे एनल कैनाल या एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा और उसका इजेशन हो जाएगा या डिफिकेशन हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आते हैं। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं कि उसमें माउथ आता है, ओरल कैविटी होता है जिसको, उसके अंदर टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, टंग होता है, फिर हमारा ओरोफेरिंग्स आता है, ओरोफेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। बट अभी हम एक एक स्ट्रक्चर का डिटेल में पढ़ेंगे, तो लेट अस बिगिन विथ माउथ या ओरल कैविटी। तो माउथ इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। जो हमारा माउथ है, इसकी कवरिंग जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है, और इसमें कई तरह के सेल प्रेजेंट्स होते हैं। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, माउथ की बाउंड्रीज की, तो माउथ की बाउंड्रीज में आप देख सकते हो, ये आपका माउथ है एंटीरियरली और लेटरली। मतलब अगर हम सिर्फ एंटीरियरली बात करें तो इसमें लिप्स आते हैं हमारे, जो कि हमारे होंठ। फिर अगर हम लेटरल बात करें तो आप अपनी दोनों तरफ देख सकते हो, लेटरली दोनों तरफ आपके माउथ के गाल हैं, तो जिसको हम चीक बोलते हैं, या और बॉडी ऑफ टंग है, बॉडी ऑफ टंग यानी साइड वाला ये पार्ट। फिर अगर हम सुपीरियरली देखें तो हार्ड पैलेट है, मतलब आगे की तरफ जो दिख रहा है आपको, जीभ से जो अभी टच हो रहा है वो हार्ड पैलेट है। और अगर आप अपनी जीभ को और थोड़ा सा पीछे ले जाओगे तो वहाँ पर आपको सॉफ्ट पैलेट महसूस होगी, वो सॉफ्ट पैलेट है ये। फिर उसके बाद अगर हम पोस्टीरियरली बात करें तो एक यूविला, यूविला करके जो एक स्ट्रक्चर, अगर आप मुंह पूरा बड़ा सा खोल के शीशे में अपना मुंह देखोगे तो आपको एक लटका हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपके मुंह के अंदर कुछ लटकता हुआ सा मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको हम यूविला बोलते हैं। यूविला के जस्ट नीचे हमारा बेस ऑफ टंग प्रेजेंट होता है, जहाँ से टंग शुरू होती है, और उसी के बाद हमारी ओरोफेरिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाते समय। उसके बाद हम अगर इन्फीरियर बाउंड्री ऑफ ओरल कैविटी की बात करें तो इन्फीरियरली हमें माइलोहायोइड मसल्स प्रेजेंट मिलेंगी वहाँ पर, और गिनियोहायोइड मसल प्रेजेंट मिलेगी, जो कि हमारी फ्लोर ऑफ द माउथ बनाएंगी। इसको हम एक बार और आगे देख लेते हैं। एंटीरियरली लिप्स आपके होठ, पोस्टीरियरली ओरोफेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स, एंड सुपीरियरली मैंने अभी बताया हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, इन्फीरियरली मतलब पीछे की तरफ टंग, एंड लेटरली आपकी चीक्स प्रेजेंट है। अब मुंह के अंदर और क्या क्या होता है? फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। फर्स्ट इज योर टंग, इट इज़ अ वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड वास्कुलर टू। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो आपकी टंग है ये एक मसल है, इट इज़ अ वॉलेंट्री मसल, इसीलिए कहते हैं कि जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही आप बोलो, उससे ज़्यादा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी मसल जो है वो एक वॉलेंट्री मसल है। जब हमारा मन होगा उससे हम तभी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। तो इट इज़ अ वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर। द बेस ऑफ द टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन। जो आपकी टंग का बेस है, मतलब आपकी टंग जहाँ से शुरू हो रही है, वो हायोइड बोन, एक हायोइड बोन होती है, ये भी मैंने आपको बताया है, वहाँ से ये अटैच्ड होती है। इट इज़ लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू की बनी हुई की से लाइनिंग होती है। ऑन द सर्फेस ऑफ टंग लिटिल प्रोजेक्शंस आर फाउंड दैट इज आर कॉल्ड पैपिले। ये आप देख सकते हो, आपकी जो टंग है, आप अपनी जीभ भी शीशे में देख सकते हो, उस पर छोटे 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 से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं। और एक पैपिले के अंदर कम से कम 100 से 500 तक के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो आपको अलग अलग टेस्ट फील करने में हेल्प करते हैं, जो आपको अलग अलग टेस्ट की नॉलेज आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ये आप देख सकते हो, टेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। आपकी बोन, आपकी जो टंग है उसमें डिवाइड हुआ है सारा टेस्ट एरियाज, तो
सारे टेस्ट एरियाज हमारे डिवाइडेड हैं, पीछे की तरफ हमारा बिटर टेस्ट होता है, इसीलिए जब भी हम दवाई खाते तो हम उसे टंग के टिप पे रख के या साइड में रख के नहीं खाते, उसे हमेशा पीछे रख के खाते हैं, क्योंकि जो पीछे वाला एरिया इट इज़ मोर सेंसिटाइज फॉर बिटर थिंग्स। फिर जो साइड वाला एरिया है वो सॉल्ट चीज़ों के लिए है। फिर जो आगे का एरिया है, जो टिप ऑफ द टंग है जहाँ से हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, वो स्वीट है, क्योंकि आइसक्रीम स्वीट होती है इसलिए हम उसको वहाँ से खाते हैं। और जो साइड का आगे का पार्ट है वो सॉल्टी है, जो आप येलो वाला इसमें देख रहे हो, इसलिए हम सॉल्टी चीज़ें आगे से खाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीथ, यानी कि हमारे दांत। तो टीथ आर प्रेजेंट इन द सॉकेट्स ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन। ये मैंडिबल और मैक्सिला, जो आपकी अपर जॉ और लोअर जॉ की बोन्स हैं, इसके सॉकेट्स में आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स, टू टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज टेम्परेरी और डेसीडियस टीथ, जो जब बचपन में बच्चे पैदा होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, तब जो उनके दांत निकलते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी और डेसीडियस टीथ। और यही टीथ जो होते हैं, ये धीरे 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 करके टूटने लगते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। तो टेम्परेरी और डेसीडियस टीथ क्या होते हैं? दे आर 20 इन नंबर, ये 20 होते हैं। दे बिगेन टू इरप्ट एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। जब बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तब उसका दांत निकलने लगता है। एंड ऑल आर प्रेजेंट नियर अबाउट 2 ईयर्स, और ये लगभग 2 साल तक रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं, और जिनकी जगह पे हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो कि 32 इन नंबर होते हैं। एंड बिगेन टू रिप्लेस द टेम्परेरी टीथ इन द एज ऑफ 6 ईयर्स एंड यूजुअली कम्प्लीट एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। धीरे धीरे करके ये 24 साल तक हमारे सारे टीथ टूटते रहते हैं, मैक्सिमम 18-19 साल तक हो जाता है, बट नॉर्मली 24 साल तक भी अगर हो रहा है तो इट इज़ नॉर्मल। फिर कौन कौन से टीथ होते हैं? फर्स्ट इज़ योर इंसिसर, ये नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इंसिसर्स टीथ हैं। जब आप अपने खुद के मुंह में इंसिसर्स देखोगे तो सामने से जो आपको ऊपर सामने वाले 2 दांत दिखेंगे अपर जॉ के, वो इंसिसर्स हैं, और जस्ट उसके नीचे वाले जो 2 दांत दिखेंगे वो इंसिसर्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं कैनाइंस, ये आप नुकीले वाले दांत नीचे देख सकते हो, फर्स्ट वाला डायग्राम, ये कैनाइंस है। फिर आपके प्री मोलर है जो 8 होते हैं, ये भी नीचे बना है, और मोलर ये भी नीचे बना है। मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। अपर जॉ और लोअर जॉ में आपको सेंट्रल इंसिसर और लेटरल इंसिसर दिख रहा होगा, फिर उसके जस्ट बगल में कैनाइन दिख रहे होंगे दोनों में। फिर उसके बाद आपको प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर, सेकेंड प्री मोलर दिख रहा होगा, यानी कि जो 2 थे हमारे, ये वाला प्री मोलर। उसके बाद हमारा आता है मोलर, तो 1, 2, 3 मोलर एंड 1, 2, 3 मोलर, ये भी आपको दिख रहा होगा। ये बात हुई एक तरफ की। अब अगर हम इसकी बात करें डेंटल फॉर्मूला की, तो 2123/2123 एडल्ट्स का होता है, और चाइल्ड का होता है 2102/2102। तो 2 का मतलब है 2 इंसिसर्स इट इन अपर जॉ एट वन साइड। उसके बाद फिर 1 का मतलब है 1 canine एट अपर जॉ एट वन साइड। फिर 2 का मतलब है 2 premolar एट वन साइड एट अपर जॉ। फिर 3 का मतलब है 3 molars एट वन साइड एट अपर जॉ। फिर डिवाइडेड बाय 2 अगेन, तो इस 2 का भी मतलब है 2 incisors अगेन एट अपर जॉ एट अनदर साइड, 1 canine एट अनदर साइड एट अपर जॉ। एंड अगेन 2 premolars एट अनदर साइड एट अपर जॉ एंड लोअर जॉ, एंड 3 molars एट अनदर साइड एट अपर जॉ एंड लोअर जॉ। इसी तरह से चाइल्ड का होता है। तो ये हमारा हो जाता है डेंटल फॉर्मूला। आपको बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो कि कितने तरह के टीथ होते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट में कितने तरह के होते हैं? इंसिसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर, मोलर, ये कितने होते हैं? 8, 4, 8, 12। एंड उसके बाद ये इनका प्लेसमेंट किस तरह से होता है, ये बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है। देन डेंटल फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है, 2123/2123। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ सेलाइवरी ग्लैंड्स। तो अभी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे मुंह में 3 पेयर ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज़ पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो हमारा फ्रंट ऑफ ईयर में प्रेजेंट होता है, और लगभग 25% सिक्रीशन देता है सलाइवा का ऑफ द टोटल अमाउंट। देन सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये मैंडिबल के मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर एक सब मैक्सिलरी ट्राइंगल होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और ये लगभग 70% सिक्रीशन देता है हमारे सलाइवा का। एंड नेक्स्ट इज आर सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि हमारा लगभग
5% का सिक्रीशन देता है और ये हमारे माउथ के फ्लोर पर प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम में आप अभी भी देख सकते हो, मैंने पहले भी दिखाया है। पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट इज आर सलाइवा, कि सलाइवा क्या होता है। तो सलाइवा जो आपके मुंह में थूक आता है उसको हम सलाइवा बोलते हैं। इट इज़ द वाटरी सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड का वाटरी सिक्रेशन है। डेली लगभग 1500 ml का सिक्रेशन होता है सलाइवा का। एंड इसके अंदर टाइलिन और सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, लाइसोजाइम्स दैट इज एंटी बैक्टीरियल, कैलिक्रीन और लाइपेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको इस लाइपेज एंजाइम को हम लिंगुअल लाइपेज भी बोलते हैं। इसका अगर हम पीएच की बात करें तो इट इज़ 7 जब ये रेस्ट पे होता है, मतलब जब हम कुछ खा नहीं रहे होते हैं। एंड 8 होता है जब एक्टिव सिक्रीशन होता है, मतलब जब हम खाना खा रहे हो या हमारे मुंह में कुछ भी हो तब इसका एक्टिव सिक्रीशन होता है और उसका पीएच 8 हो जाता है। कैटाइंस इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम होते हैं। एनायंस इज Cl- HCO3- फॉस्फेट एंड ब्रोमाइड। ऑर्गेनिक कंटेंट्स इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके फंक्शंस होते हैं कि ये मुंह को मॉइस्ट रखे और आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करे। देन एंटीबैक्टीरियल नेचर का होता है, जैसा मैंने ऊपर बताया था कि जो लाइसोसोम है ये एंटीबैक्टीरियल है, तो ये आपके मुंह को इन्फेक्शन से दूर रखता है। देन आपके फूड को लुब्रिकेट करता है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसको फ्रिक्शनलेस फूड प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट्स ओरल म्यूकोजा, अलाउ स्पीच ऑफ फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग। अगर मुंह में सलाइवा नहीं होगा और हमारा मुंह फ्रिक्शनलेस हो जाएगा तो हमें बोलने में भी दिक्कत होगी, हमारे लिप्स भी ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये हमें बोलने में भी स्पेल हेल्प करता है, ये हमारी स्पीच भी बनाता है। देन लास्ट कम्स अ प्रोटेक्ट्स टूथ इनेबल। ये हमारे दांत के जो सबसे ऊपर की पार्ट होती है, जो हार्ड, अगर आप अपना दांत छोगे तो आपको हार्ड सी कवरिंग मिलेगी, वो हार्ड सी कवरिंग इज इनेबल। जो हमारी वाइट कलर की कवरिंग है उसी को हम इनेबल बोलते हैं। तो जो सलाइवा है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। सो हेयर कम्स द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियोज़, और आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे एट होम एंड स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। थैंक यू।